ग्वालियर में वायुसेना का जहाज मिग-21 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के जालौन का लाल कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गया है। शहीद हुए ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता को सैन्य सम्मान के साथ आज गुरुवार को मुरार मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अमित तिवारी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। सेना के अधिकारियों और जिला प्रशासन के तरफ से शहीद कैप्टन को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। शहीद ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सेना की आर्टिलरी प्लाटून के जवानों ने बिगुल पर मातमी धुन बजाकर शहीद ग्रुप कैप्टन को अंतिम विदाई दी। ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता के छोटे भाई अमित गुप्ता ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले कैप्टन आशीष गुप्ता ग्वालियर में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी छाया और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 5 साल का और छोटा बेटा 3 साल का है। शहीद ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता बुधवार को वायुसेना के फाइटर प्लेन मिग-21 विशन की दुर्घटना में शहीद हो गए थे। हादसा तब हुआ जब ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता वायुसेना के फाइटर प्लेन मिग-21 विशन से सेंट्रल कमांड के महाराजपुर एयर ग्वालियर के कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन पर रनवे से उड़ान भर रहे थे। बताया जा रहा है कि इंजन चालू होने के बाद ही विमान में कुछ खराबी आ गई और वो उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यूज़ डेस्क।